जरूर किसी ना किसी घर में घुस जाता। तो कभी भी दोस्तों इसके काटने से हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा सांप जब भी कभी काटता है तो किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र रोजागुनी के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं। जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कॉल आती रहती है और आना जाना लगा रहता है। अभी फिर से हमारे पास में जो है गांव से ही कॉल पहुंची है, तो बिना समय गवाए तुरंत हम यहां पहुंच चुके हैं। और दोस्तों रात के समय जब भी कॉल आती है तो ज़्यादातर जो सांप देखने के लिए मिलता है तो वो कॉमन क्रैश सांप देखने के लिए मिलता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे एशिया का, हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप ये जो है अंदर अभी घुस चुका है, तो इसको कोशिश करेंगे निकालने की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप, जो कि कोबरा सांप से भी लगभग 6-7 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। और ये सांप लगभग ज़्यादातर जो है रात के समय निकलता है, कोई ऐसा समय होगा जो ये दिन में मिल जाए, नहीं तो ये रात के समय निकलता है। और इसको जो है इंसान की जो बॉडी की हीट होती है, गर्मी होती है, उसको ज़्यादा ये पसंद करता है। और रात में घरों में घुसकर ये बिस्तर पर कभी भी चढ़ सकता है और दबाव के कारण इंसान को कभी भी जो है वाइट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप, जिसको हम निशाचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है रात्रि में ही भ्रमण करता है, इसलिए इसका नाम निशाचर भी जो है रखा गया है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इसको हमने अभी कैच कर लिया है दोस्तों, क्योंकि इस समय रात्रि का समय है और गाँव से हमारे पास में कॉल थी, तो तुरंत हम जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है एक मंदिर है, मंदिर के पास में ये था, और रात में और समय थोड़ा सा बीतता तो ये ज़रूर किसी ना किसी घर में घुस जाता। तो कभी भी दोस्तों इसके काटने से हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा सांप जब भी कभी काटता है तो किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र रोजागुनी के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि इसका इलाज कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र रोजागुनी नहीं है, केवल इसी से बना एंटी वैनम है, जो एंटीडोट होता है इसके वैनम से बनता है, तो उसी का आप प्रयोग करेंगे अस्पताल में जाकर तो आपकी जान को बचाया जा सकता है। झाड़ फूक तंत्र मंत्र रोजागुनी करने से केवल जान तभी बचती है जब हमें कोई बिना जहर वाला सांप काटता है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 95% जो सांप हैं वो बिना जहर वाले हैं। केवल कुछ ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में ये एक जहरीला सांप है। इसके अलावा हमारे एरिया में लगभग 2 सांप और हैं, जिसको हम कोबरा रसस वाइपर के नाम से जानते हैं। 3 सांप हमारे यहाँ पर केवल जहरीले हैं, तो इनके काटने पर तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुनी के चक्कर में ना पड़ें। तो आप देख सकते हैं फिलहाल अभी इसको हम कैच करेंगे और पैक करेंगे और फिर से इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में इसको रिलीज करेंगे। दोस्तों तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सावधानी जो है इस सांप को पकड़ते हुए रखनी होती है, क्योंकि कभी भी जो है अटैक कर सकता है दोस्तों, और सुरक्षा ही बचाव है। तो वीडियो को देख करके नए रेस्पर जो है कॉपी ना करें। अभी जो है इस तरह से आप जो नए रेस्पर हैं वो हैंडलिंग करने की कोशिश ना करें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस सांप की आप पहचान कर लें, ब्लैक कलर का होता है और वाइट कलर की जो है इस पर जो है धारी बनी होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस पर बनी हुई हैं दोस्तों। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे, ये ब्लैक कलर का होता है और वाइट वाइट इस पर पट्टी बनी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है, कभी भी दिखता है। क्योंकि रात के समय जब ये काटता है दोस्तों तो इसके काटने का पता तक नहीं चलता है, क्योंकि जो सबसे बारीक वाली सुई होती है उससे भी बारीक इसके दांत होते हैं। तो जब ये काटता है तो इसके काटने का मार्क यानी निशान तक दिखाई भी नहीं देता है। तो कभी भी ये काटता है रात में तो इसके काटने के कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे पेट में ऐठन होना, उल्टी की शिकायत होना और चक्कर आना।
तो ये इस तरह के अगर आपको कभी कोई शिकायत दिखाई देती है तो तुरंत बिना समय गवाए जो है डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें, तभी आपकी जो है जान को बचाया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी इसको हम पैक करेंगे। आप देख सकते हैं जब भी हम किसी सांप को जो है जार में पैक करते हैं तो उसके लिए पहले ही ऑक्सीजन के लिए हम छेद खोल के रखते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पैक करेंगे, नए रेस्क्योर देख करके कभी भी जो है कॉपी ना करें, क्योंकि हादसा इसी समय होता है, कभी भी जो है पैक करते हुए स्नैक बाइट कर सकता है। तो फिलहाल इसको पैक कर चुके हैं दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सारे लोग दिखा दो सबको। इधर से